हाँ भाई, क्या पोजीशन है? पोजीशन तो सर बहुत अच्छी है अच्छा जी सर। अच्छा इसके अलावा सर डेली वेजेस वाले बार बार ठीक आ रहे हैं है और कह रहे हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट में रखो, तो सर उसका क्या करना है? ठीक है ठीक है, अभी तो फिलहाल कोई जगह नहीं है, अच्छा अभी तो कोई पोजीशन नहीं है, अभी लॉकडाउन का भी सिलसिला चल रहा है, अभी ईद गुजरी है, रमज़ान गुजरे हैं। हाँ, अभी जो हैं अपने पास वो उनको ही कह दो, वही लोग काम करेंगे। ओके सर, जैसे आपकी मर्जी ठीक। सर। इसने तो कह दिया आज मेरा पेड़ा अलग से मेरे लिए महंगी बेकरी से है सामान। मैं क्या करूं, चलो यार लॉकडाउन लगा हुआ है, मुझे तो नहीं लगता कि दिहाड़ी भी होगी। बस क्या करूं अब मैं, सामान भी लेके जाना है, सुबह से कोई दिहाड़ी नहीं लगी। ईंटें साइड पे करानी थी, हो जाएगा 250 रुपये मजदूरी चल रही है। 250 तो बहुत ज़्यादा है, 50 रुपये दूंगा मैं। मैं करूँगा। भाईजान यार ये 50-50 में काम करेगा तो यार घर कैसे चलेगा यार, ऐसे थोड़ी होगा यार। भाई 50 रुपये फ्रूट दे दो यार। 50 में कुछ नहीं आता, चला के जा। कुछ तो दे दो। या अल्लाह ताला, आज इतनी सी मजदूरी मिली है जिसमें मेरे भाई की अफ्तारी नहीं आ सकती। तू ही मदद कर मेरे मौला, तेरा ही आसरा मेरे मौला, तू ही मेरी इज्जत बचा। यार अभी तक नहीं पहुंचा है, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ गेट पे, 2 मिनट रुक जाओ, गेट पे मैं खड़ा हुआ हूँ, अभी तक तू पहुंचा नहीं है, जल्दी आ जा, एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ हूँ यार, गर्मी देख रहा है तू पाकिस्तान में कितनी है, जल्दी आ जल्दी। जी भाईजान माफ़ करो यार। नहीं ये आपका पर्स गिर गया था। मेरा पर्स सर गिर गया था, देख लें आपकी चीज़ें।
यार मेहरबानी यार, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। ये लो ये आपका इनाम। नहीं नहीं रखो, ये रखो यार, रखो आप रखो, आपकी ये ईमानदारी का ये आपको समझोगे इनाम मिला है, और ये आप आज रखें मेरी तरफ से, ठीक है, थैंक यू यार। वो मौला सबकी सुनता है, 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 पर किसी किसी को चुनता है। वो मौला चलो इसकी तो अल्लाह ने मदद कर दी, न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो बेयारो मददगार हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा, जितना मैं कर सकता हूँ उतना करूँगा। हेलो, हाँ यार, वो जितने भी डेली वेजेस के लड़के थे ना, उन सबको बुला लो वापस। ठीक, ओके। या फिर हस्ती पलकों के नीचे गम भी पलते हैं, मगर कौन देखता है इतनी गहराई में। आज जब दौलत फैल रही है, लोगों के पास वसाइल ज्यादा होते चले जा रहे हैं, तो ये बात जहन में रखिएगा कि हमारे दीन ने हमें एक दूसरे के दुख बांटने की तलकीन की है, एक दूसरे के करीब होकर रहें और उनकी जरूरतों का ख्याल रखें अपनी इस्तेआत के मुताबिक। किसी की इज्जत नफ्स को नुकसान पहुंचाए बगैर शोहरत, रिया और किसी इस तरह की मरस को अपने करीब जो है वो न आने दें, और लोगों की इस मख्फी अंदाज से मदद करें कि उनकी ज़रूरियात पूरी हों। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ टैग करें। शुक्रिया।